गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो बेटा देखो आज हम लोग इस लेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो लेशन है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म का, तो कल की क्लास में हम लोगों ने आर्टिफिशियल मेथड जो है वो कंप्लीट किया था। डैट मीन्स की कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये तीनों। इनका नर्सरी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, या प्लांट को आर्टिफिशियली में टेक्निक यूज करके। और बहुत सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं, हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी आपको समझ में नहीं आए, बायोटेक्नोलॉजी का टर्म है, मतलब थोड़े से जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करके न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट को डेवलप करना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट को लार्ज स्केल पे जब उसमें कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंजेस किया और उसको अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए ये सब प्लांट टिश्यू कल्चर का टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। ये सब आर्टिफिशियल मेथड है, उसी का एक एग्जाम्पल का हमने आपको माइक्रो प्रोपेगेशन डिस्कस किया था। तो चलिए जो लेशन है हमारा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके, लेशन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब आइए हम लोग अब इंटर करने वाले हैं किसमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी बातें जो है वो हमारी डिस्कस हो चुकी है, तो अब हम लोगों को इंटर करना है किसमें बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटर करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे हम लोग, तो पता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अभी इसमें एक टॉपिक हम लोगों को देखना है, जैसे कौन सा, तो रिप्रोडक्टिव फेज है, जुवेनाइल फेज है, यानी कि ये सब जो फेज है वो सारी बातें भी थोड़ी हम लोगों को डिस्कस करनी है। और बहुत अच्छा चीज़ है ये हम लोगों के लिए कि ये लेशन बड़ा छोटा है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन रहते हैं डेफिनेटली, आपको मिनिमम वन क्वेश्चन तो रहेगा। और चूंकि ये लेशन जो है वो आगे के लेशन से इंटरलिंक है, तो ये एक बात है। तो चलिए अब हेडिंग देंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, चूंकि आप जानते हो कि जब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हमेशा ध्यान में रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस पार्टिसिपेट करेगा, पहली बात। दूसरा चीज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तीसरा चीज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होगा। और चौथा चीज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा और उस जायगोट से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये बातें जो है वो फिक्स है इसमें, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपैरेंटल या बाईपैरेंटल होता है, जनरली बाईपैरेंटल, लेकिन समटाइम्स यूनिपैरेंटल भी हो सकता है। अब आइए देखिए, तो फिर आप सोचेंगे सर यूनिपैरेंटल होगा तो फिर वो तो क्लोन तैयार होगा, नहीं, लेकिन मियोसिस पार्टिसिपेट तो कर रहा है ना उसमें। अब आइए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन पैरेंटल, यानी इसमें सिंगल पैरेंट आ सकते हैं या
दोनों पैरेंट भी आ सकते हैं, तो इट इज सिंगल पैरेंटल और बाई पैरेंटल। नेक्स्ट देखो बेटा, ये आप जानते हो तो इसमें मियोसिस अकर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है क्यों मियोसिस यहाँ पर है। मियोसिस आया मतलब समझो कि वेरिएशन आएगा, और जब तक मियोसिस नहीं आया है मतलब समझो कि वेरिएशन नहीं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, बाकी और कुछ नहीं। मियोसिस पार्टिसिपेट किया किसी भी रिप्रोडक्शन में या कहीं पर भी मियोसिस आया मतलब पैरेंट सेल से डाउटर सेल में जेनेटिकली कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। और जब तक मियोसिस नहीं आया है यानी माइटोसिस से अगर, तो पैरेंट सेल और डाउटर सेल में जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी तैयार होगा। तो अब देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं आ रहा था तो जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी जिसे क्लोन कह रहे थे, और यहाँ पर मियोसिस आ गया इसका मतलब है कि इसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगा, यानी इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन आ रहा था। इसलिए यहाँ मेंशन किया कि इसमें क्या होता है वेरिएशन होता है। अब आइए देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइमिंग ज़्यादा इसमें लगता है, मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उतने टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर ना गैमेट बनना है, ना गैमेट का फ्यूजन होना है, ठीक है, ना मियोसिस होना है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कैसा प्रोसेस है बेटा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है, तो इट इज स्लो और इट इज स्लो एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये सब कंपैरिजन की बात नहीं, जब तक कंपेयर करके नहीं बताए किससे स्लो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्लो है, किससे कॉम्प्लेक्स है तो एसेक्सुअल, या ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, तो किससे एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बातें आपको मेंशन करके रखनी पड़ेगी। और स्लो प्रोसेस क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इसमें कम आएंगे, ऐसा नहीं कि एक्सेसुअल के बराबर आएगा। अब आइए अब एक हेडिंग देंगे हम लोग, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कंप्लीट। अब हेडिंग देंगे फेजेज इन लाइफ साइकिल, फेजेज इन लाइफ साइकिल। देखिए हमारे लाइफ के तीन फेज आते हैं बेटा, एक होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज यानी प्री रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो बीच का इंपॉर्टेंट फेज क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गया यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट फेज इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पर आइए, तो ये तीनों फेज को हम लोग को लेके चलना है, ओके। तो फर्स्ट में क्या है, जुवेनाइल फेज। सेकेंड में क्या बोला था मैंने, रिप्रोडक्टिव फेज। और थर्ड में क्या है बेटा, सेनेसेंट फेज।
अब आइए सबसे पहले कौन सा, तो जुवेनाइल फेज। क्या है जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल फेज है ना बेटा, जुवेनाइल फेज यानी ये आपकी इट इज अ ग्रोथ फेज। जब कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं। तो उसको कितना टाइम लगता है? अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर कोई मेल है तो मेल को कम से कम 15 से 18 साल लग जाते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए। देन नाउ इट इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, अब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होगा। लेकिन 10 साल का बच्चा रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। उसी तरह हर एक एनिमल्स का, प्लांट, कोई प्लांट आपने गार्डन में लगाया, क्या तुरंत उसमें फ्लावर एंड सीड आता है क्या? नहीं। सीड आने का मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आया। तो उसी तरह से एनिमल्स का है कि हर एनिमल्स का एक अपना रिप्रोडक्टिव फेज अलग टाइम होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले के फेज को हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज, यानी कि इट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज, और ये फेज प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी रिप्रोडक्शन के पहले का फेज है, जिसमें बॉडी का क्या होता है या ओवेरियन का क्या होता है? ग्रोथ होता है। इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म गेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस फेज में ऑर्गेनिज्म जो है वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अटेन करता है। इम्प्लांट इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। और प्लांट में इस फेज को क्या कहते हैं? तो प्लांट में इस फेज को हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं बेटा। समझ में आई बात? और ये जो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज is varies from organism to organism, यानी organism to organism ये फेज varies करता है। तो एक ये बात हो गई। अब आइए reproductive फेज। ये काफी important फेज है। कौन सा फेज? तो reproductive फेज बेटा। तो रिप्रोडक्टिव फेज की अगर जब बात करोगे तो ये फेज किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है तो रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस फेज में क्या होता है? सेकेंड, हाँ सेकेंड में रिप्रोडक्टिव फेज। अब इस फेज में क्या होगा? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो ग्रोथ एंड डेवलप कर जाएंगे, तो मैच्योर होंगे। ऑर्गेनिज्म भी मैच्योर होगा एंड रिप्रोडक्टिव फेज ग्रोथ एंड मैच्योर रिप्रोडक्टिव organs are the reproductive organs are developed and organisms are mature।
तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव यानी एनिमल और प्लांट सबका अलग-अलग है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, तो जिस पार्ट से रिप्रोडक्शन होना है वो पार्ट मैच्योर हो जाता है। तो जैसे प्लांट में अगर लेंगे तो प्लांट में जो फ्लावर है, फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो फ्लावर आने का मतलब कि अब वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट रेडी हो गया, मैच्योर हो चुका है। तो उसमें जो गैमेट है वो फ्यूजन करेंगे और सीड का डेवलपमेंट कर देते हैं। उसी तरह एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म एंड ओवम डेवलप हो जाते हैं और नाउ रेडी फॉर द फ्यूजन। तो उस तरह से यहाँ पर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप एंड ऑर्गेनिज्म्स आर मैच्योर। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेटा मैच्योर कर जाता है। अब ये देखो कि जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है, अभी हमने आपको बताया। द रिप्रोडक्टिव पार्ट flower only one time in their
लाइफ और मोनोकार्पिक प्लांट। तो वैसे प्लांट को क्या कहते हैं? वैसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। अब ये मोनोकार्पिक प्लांट जो होता है वो होता है एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, ये सब में बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक देखिए इसी में एनुअल प्लांट जो साल के किसी भी एक सीजन में एक ही बार आता है, तो डेट इज द एनुअल। और साल के दो सीजन में मतलब पूरे होल ईयर में दो बार जिसकी एग्रीकल्चर होती है या दो बार आता है, डेट इज द बाइनियल। और तीसरा आता है पेरिनियल, यानी जो पूरे साल अपना रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग पेरिनियल। तो इस तरह से तीन अलग अलग बटे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग कौन सा एनुअल प्लांट को, एनुअल प्लांट का मतलब आपको पता है कि जो साल में एक ही बार, एनुअल प्लांट का मतलब साल में ओनली वंस टाइम, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभी हमने क्या बताया, तो उसको बोले हम लोग एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट ऐसे आपको ये सब ऑर्थो का है, लेकिन चलिए एक बार ओनली वन टाइम इन ए ईयर, साल में एक बार। और इसका एग्जांपल है राइस, वीट, मैरीगोल्ड। अब आप ये बात याद रखें कि जो एनुअल प्लांट है वो मोनोकार्पिक होते हैं। और अब अभी ये बताता हूँ, फिर है बाइनियल, बाइनियल हाँ BIELL बाइनियल प्लांट, ठीक है। तो बाइनियल जैसे रेडिश है, कैरट है, तो ये साल में दो बार होते हैं, ठीक है। टू टाइम्स इन ए ईयर। अब इसमें भी आपको एक चीज और बता दूं, साल में दो बार तो होता है लेकिन एक बार जो डेवलप करता है ना, डेवलपमेंट इसका होता है, तो वो होता है इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, दूसरा बार होता है वो होता है फ्लावरिंग के लिए। लेकिन इतने की नहीं, बस इतना बात रखो कि टू टाइम्स इन ए ईयर, एक साल में दो बार होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनियल प्लांट। और इसका एग्जांपल है आपका रेडिश, कैरट, ये दो। तो ये सब जो होते हैं वह बाइनियल प्लांट में आते हैं, ठीक है, जो साल में दो बार होंगे। और कुछ पेरिनियल प्लांट भी होते हैं, लेकिन सभी पेरिनियल प्लांट नहीं, इसका स्पेलिंग BIE पाइनियल ऐसे है, BIELL पाइनियल। तो ये इसके रेडिश हो गया, कैरेट भी एक होता है, तो ये सब साल में दो बार आते हैं। अब कहते हैं और एनुअल एंड पाइनियल जनरली मोनोकार्पिक और मोनोकार्पिक प्लांट, ये सब जो होते हैं जनरली मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। अब कुछ पेरिनियल प्लांट है जैसे बांबू ट्री, ये सब वो क्या होते हैं कि उनका वेजिटेटिव ग्रोथ 50 से 100 साल का होता है, लेकिन उसमें फ्रूट जो है या फ्लावर जो है सिर्फ एक ही बार आता है, है तो वो पेरिनियल, मतलब एक साल से ज्यादा रहते हैं, तो वो पेरिनियल प्लांट है। सम पेरिनियल प्लांट ग्रोइंग होल ईयर, वेजिटेटिवली ग्रो
50 to 100 year, but get flower only one time. But get flower only one time. लेकिन उसमें फ्लावर कितनी बार आएंगे? उसमें फ्लावर बेटा सिर्फ एक ही बार आएगा और इसी का एग्जांपल जैसे है वो है बांबूसा बांबू के कुछ स्पेसिफिक जो होते हैं तो सर्टेन स्पेसिफिक जाओ बांबू सर्टेन स्पेसिफिक ऑफ बांबू ठीक है और इसमें एक बांबूसा कुंडला इंपॉर्टेंट ओके अब एक नीलकुरंजी करके एक फ्लावरिंग प्लांट है जो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है जो खास करके कर्नाटका तमिलनाडु और केरला के हिली एरिया में मिलता है उसको वहां पर वहां के लोकल एरिया में उसको मैं कर्नाटका में था तो इसको तो वहां पे हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उसको हमको उसका फ्लावर दिखाया उसको ब्रह्मा का फूल बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी हैं तो उनके फूल को बोलते हैं ब्रह्मा का फूल ठीक है ऐसे उसका नाम बोटेनिकल ये नाम जो है तो उसको जनरली जो है नीलकुरंजी फ्लावर बोलते हैं नीलकुरंजी प्लांट ठीक जो 12 साल में सिर्फ एक बार फ्लावर देता है कितने 12 ईयर में ओनली वन टाइम तो उसका बोटेनिकल नाम है नीलकुरंजी प्लांट है ऐसे अब देखो नाम लिखता हूँ एस्ट्रोबिलस कुरुंथियाना ठीक है अभी इसका नाम लिखता हूँ उसका ऐसे बोलते हैं नीलकुरंजी नीलकुरंजी प्लांट गेट फ्लावर ओनली वन टाइम इन 12 इयर्स इट इज जनरली फाउंड इन जनरली फाउंड इन हिली एरिया ऑफ केरला तमिलनाडु पॉलीकार्पिक प्लांट गेट फ्लावर इमीडिएटली
और ये जब मैच्योरिटी को अटेन करते हैं देन व्हेन मैच्योर flowers are developed repeatedly. तो flowers जो है वो repeatedly flowers इसमें develop होते हैं करते हैं flowers are developed repeatedly हर बार मतलब बार बार flowers इसमें आते रहेगा उसके बाद में देखो develop repeatedly उसके बाद में देखिए जैसे एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं मैंगो एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स ऑरेंज ग्रेप्स ऐसे बाकी सभी जो भी प्लांट हैं जो अपने लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा बार फ्लावर लेते हैं दैट इज द तो जनरली जनरली पेरिनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक जनरली जो पेरिनियल प्लांट हैं वो पॉलीकार्पिक प्लांट में आते हैं ओके अब चलिए बेटा ये सब बातें जो है वो जब डिस्कस हो गई अब एक लास्ट है सेनेसेंट फेज प्रति फेज हुआ लास्ट देखेंगे सेनेसेंट फेज फेज का मतलब कि जब बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्टेज आर एक्युमुलेटेड एंड द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और टिश्यू आर डिटोरियरेट व्हेन मेटाबॉलिक वेस्टेज आर एक्युमुलेट
अब हम लोग देखेंगे फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज कौन कौन से हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज की अगर बात करें हम लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटा तीन फेज है, या इसी को कहते हैं हम लोग एवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट में क्या है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह तीन फेज में है। एक है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड में है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन की, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा? फर्टिलाइजेशन तब होगा ना जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं गैमेट को जेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यानी गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी गैमेट दो अलग अलग बॉडी में बना है, तो या बॉडी एक ही है जैसे प्लांट, फ्लावर तो एक ही है, एक ही फ्लावर पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेल गैमेट को जाना पड़ेगा फीमेल गैमेट तक। तो और अगर एनिमल्स की बात करें तो मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, तो मेल बॉडी का जो स्पर्म है उसको जाना पड़ेगा फीमेल बॉडी के ओवम तक। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग दो चीजों को डील करेंगे। एक होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन, एंड दूसरा होगा इसमें ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी कि गैमेट का ट्रांसफर करने के लिए। तो ये दो अलग अलग यहाँ पर इवेंट है। ओके, और दोनों इवेंट के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए ये दोनों इवेंट एकदम इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें दो इवेंट है, एक है गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और दूसरा इसमें आएगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है वो चीज। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। अभी मैंने आपको बता दिया कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो इतना तो आप बात समझ रहे हो। और गैमेट जनरली दो तरह के होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल गैमेट। अब कैटेगरी ऑफ गैमेट में हम देखेंगे कि एक होता है आइसोगैमेट, ठीक है, और एक होता है हेटरोगैमेट, ठीक है। आइसोगैमेट का मतलब जब गैमेट जो है एक ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा उसी को कहेंगे आइसोगैमेट, जो हमें एल्गी और फंगाई में देखने को मिलता है। और हेटरोगैमेट का मतलब कि टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, दो अलग अलग, तो उसको कहेंगे हम लोग हेटरोगैमेट। समझे बात को? तो गैमेट जो है और गैमेट का फॉर्मेशन जब भी होता है जनरली, तो गैमेट जनरली हैप्लॉइड होते हैं। तो देखते हैं इसको, और गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो मियोसिस से। अगर हैप्लॉइड बॉडी है यानी कि ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड है तो उसमें माइटोसिस ही आ जाएगा, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस से होगा। गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन
हैप्लोइड बॉडी गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस इन डिप्लॉयड बॉडी गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। अब बहुत लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये माइटोसिस और मियोसिस का गैमेट फॉर्मेशन है। अरे बेटा मैंने क्या बोला, हैप्लोइड का मतलब क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लोइड मतलब वो, अगर ये बॉडी मान लो कि इससे गैमेट बनना है ठीक, ये ऑलरेडी कैसा है, ये हैप्लोइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसमें ठीक, तो ये माइटोसिस करके और गैमेट बन जाएगा। तो गैमेट यहां पे तो इसमें भी क्या होंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो ये हैप्लोइड है, तो हैप्लोइड के लिए माइटोसिस कर लिया, यहां पर ये हो गया गैमेट्स और ये हो गया हैप्लोइड बॉडी और ये हो गया बेटा माइटोसिस। जबकि वही कोई डिप्लॉयड बॉडी जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी या जो भी डिप्लॉयड प्लांट है, वो हमारा बॉडी का हर एक सेल कैसा है, डिप्लॉयड है, सिर्फ स्पर्म या ओवम को छोड़ के, यानी हमारी बॉडी में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। देखिए टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के लिए यहां पर क्या करना पड़ता है, किसी भी डिप्लॉयड को हैप्लोइड तभी होता है जब उसमें मियोसिस होता है। तो ये कैसा बॉडी है, दिस इज द डिप्लॉयड बॉडी और इस डिप्लॉयड बॉडी से अब क्या होगा, तो गैमेट बनेगा और मियोसिस से चार सेल बनते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब में सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सब में सिंगल सेट 1 2 3 4 5 6 हमने 6 क्रोमोसोम कर दिया, तो ये सिंगल सेट बन गया, किसी में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे। अब आप सोचेंगे सर इधर तो टोटल 12 क्रोमोसोम है, तो रेप्लिकेशन भी तो करेगा ना, क्रोमोसोम से क्रोमोसोम बनाएगा, तो इसमें पहले से कितना है, 12 है और 12 से 12 और बनाया रेप्लिकेशन, तो अगर रेप्लिकेशन करेगा क्रोमोसोम से क्रोमोसोम बनेगा, तो 12 पहले से और प्लस 12 टोटल 24, तो 4 से 6 * 4 24 क्रोमोसोम आ गया। तो ये डिप्लॉयड सेल में गैमेट्स कैसे बनते हैं बेटा, तो मियोसिस से बनते हैं। अब गैमेट होता है आइसोगैमेट होता है और हेटरोगैमेट होता है। आइसोगैमेट का एक टर्म आता है, आइसोगैमेट का मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट, जो गैमेट बनेंगे वो सभी मेल और फीमेल दोनों गैमेट कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। और जैसे एग्जांपल में हमें देखने को मिलता है एल्गी में और फंगाई में, जबकि दूसरा है हमारा हेटरोगैमेट। हेटरोगैमेट का मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। तो मॉर्फोलॉजिकली या हमारा जैसे मेल और फीमेल का जो गैमेट है, तो वो भी क्या है, वो भी गैमेट
हेटरोगैमिक है, यानी मॉर्फोलॉजिकली वो क्या है, डिसिमिलर है। इसमें भी जैसे आप देख सकते हो एल्गी के बॉल्स में, गारा में, सभी ब्रायोफाइट में, एग्जांपल में बॉल्स, गारा और ब्रायोफाइट्स, ट्रिलोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, ट्रिलोफाइट में हेटरोगैमेट, और आइसोगैमेट में जनरली एल्गी के कुछ स्पेसिस में मिलता है और फंगाई में मिलता है। अगर एल्गी के कुछ स्पेसिस की भी अगर बात करें तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है, यूरोट्रिक जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर लिखना है सेशन में अगर आपको करना है तो कर सकता हूँ मैं, यूरोट्रिक, क्लेडोफोर एंड क्लेमाइडोमोनास, ये सब अगर आपको एमसीक्यू में आता है तो ये मत समझना कि इस लेसन का पार्ट है। एक्चुअली ये लेसन जो है किससे इंटरलिंक है, प्लांट किंगडम से। तो प्लांट किंगडम में भी जाके आपको ये सारा चीजें, प्लांट किंगडम में सब पढ़ाया हुआ है, वहां भी आप जाके देख सकते हैं कि आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ये सब वहां पढ़ाया हुआ है। तो ये वहां का भी पार्ट है, थोड़ा वहां भी पलट के देख सकते हैं। बैठे बैठे बहुत समय है आपके पास, ऐसा नहीं कि टाइम की कोई कमी है, तो आप वहां भी जाकर के आप देख सकते हैं। समझ में आई बात? अब जब ये चीज होता है हेटरोगैमेट, ठीक है, तो हेटरोगैमेट में मेल गैमेट जो होता है उसको कहते हैं एंथ्रोजाइट, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको क्या कहते हैं, ओवा। तो ये चीज मेल और फीमेल गैमेट के नाम से हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे मेल गैमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोजॉइट और एस्पर्म, और उसका नाम एंथ्रोजॉइट और एस्पर्म है, और जो फीमेल गैमेट है उसको क्या कहते हैं, गैमेट इज, और फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं। समझ गए इतनी सारी बातों को? अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, किसी का सेक्स ऑर्गन जैकेट, किसी का नॉन जैकेट, ये सब वहां का पार्ट है। ये सब वहां के आपको पढ़ने को है, ये भी पार्ट आपका हो चुका होगा। अब देखो तो यहां पर ये जो चीजें हैं उसके बाद में आई है अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी इसी में हम देखेंगे। तो कुछ जो होते हैं वो आप जानते हैं बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल या होमोसाइली, ये शब्द हमें इसमें देखने को मिलता है। ओके, तो लिखेंगे कड़ियां हम देख चलेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट एक बाइसेक्सुअल होता है, जैसे हम लोग क्या है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो दो अलग अलग इंडिविजुअल है भाई, हम लोग मेल इंडिविजुअल अलग है फीमेल इंडिविजुअल अलग है। उसी तरह प्लांट में जैसे पपाया का प्लांट, डेट पाल, मेल प्लांट अलग होता है फीमेल प्लांट अलग होता है, दो अलग अलग प्लांट ही है। और किसी में देखो कि मेल और फीमेल प्लांट, मैंगो का प्लांट मेल और फीमेल दोनों फ्लावर का एक ही प्लांट में है, तो वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे प्लांट को हम लोग यानी कि दोनों एक ही सेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग
अलग अलग टर्म हम लोग लेकर चलते हैं ओके। तो जब जिसमें दो लोग तो उसी को कहते हैं हम लोग होमोफैली। अब इसी में एक होता है कि जब
फ्लावर ही जो है यानी मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है तो उसको कहते हैं हम लोग बायसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर स्टामेन है, स्टामेन मेल पार्ट है फ्लावर का एंड कार्पेल ऑन सेम फ्लावर। और एग्जांपल में ले लो चाइना को, और जबकि यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल जब आप जान गए तो यूनिसेक्सुअल आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब मेल और फीमेल जो होंगे वो सब अलग अलग होंगे। समझ में आई? तो यानी कि मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल फ्लावर का सेपरेट। एग्जांपल को कर बेटा, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बढ़ता हुआ है बेटा। ओके, अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो जैसे कार्प और केंसिया ये सब आपको वहां बताया हुआ है, एंथेरिया और ग्लोब्यूल और ये सब जैकेट नॉन जैकेट ये सब वहां का भी पार्ट है, तो आपको वहां पर देखना होगा। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है? तो गैमेट का ट्रांसफर आप जानते हैं कि अलग अलग मेथड से हो सकता है। तो हेडिंग दे देंगे हम लोग गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर की जब बात करते हैं ना, तो गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि गैमेट कैसे ट्रांसफर होता है? तो आप जानते हो इन ब्रायोफाइट्स ट्रिलोफाइट्स, ब्रायोफाइट और ट्रिलोफाइट्स में गैमेट ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो गैमेट्स आर ट्रांसफर बाय, गैमेट्स आर ट्रांसफर थ्रू वाटर, यानी बिना वाटर का इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? तो इनको गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी ही। तो बिना वाटर के ये क्या करेंगे? अपने गैमेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और जो सीड प्लांट है, तो जो सीड प्लांट है तो उनको अपने पॉलन ग्रेन, तो जो मेल प्लांट जो मेल पार्ट होते हैं वो नॉन मोटाइल होता है, तो या तो वो फिर पॉलिनेशन के थ्रू, यानी इन सीड प्लांट मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, सो नॉन मोटाइल सो फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन रिक्वायर्ड any external source like, अब जैसे या तो water, air है ना, या फिर insect यानी कोई animal। तो और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज पॉलिनेशन।
तो इनको पॉलिनेशन करना पड़ता है, पॉलिनेशन के थ्रू। समझ में आई बात? अब और अगर एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स में कैसे होगा, तो एनिमल्स में बाय सेक्सुअली मेटिंग। इन एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसके हम लोग कहते हैं
जरूर रहता है कि वलिशनेरिया किस तरह का दिखाता है। चलिए जब एमसीक्यू आएगा तब तो वहां पर और ऐसे ध्यान खुलेगा कि हां सर ने क्या बताया था। तो ये जो है वो ब्रायोफाइट लिपोफाइट जिम्नोस्पर्म में सब जगह हमें देखने को मिलता है। तो एग्जांपल में कर देंगे ब्रायोफाइट ट्रिलोफाइट्स एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंड एनिमल्स एंड वेरियस ऐसे मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन थ्रू एम्फीबियंस और एक्वेटिक पोर्स छोड़कर। समझ में आई हाँ। अब आइए उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू और देन आफ्टर वो
उतनी ही इंडिविजुअल के रूप में कंप्लीट डेवलप कर जाएगा, उसी को हम लोग कह देंगे। तो ये इवेंट जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फाइनली क्या आया, जायगोट अंडरगो कंटिन्यू डिवीजन, ठीक है। पहले ये पूरा बना देंगे समझने के लिए, देन आपको उसमें लिखने का काम, थोड़ा सा ओपन लाइन अंडरगो कंटिन्यू डिवीजन दैट इज ऑफ वाइटल एक्टिविटी फॉर डिवीजन डिवीजन दैट इज ऑफ वाइटल एक्टिविटी और वाइटल एक्टिविटी टू फॉर मल्टी सेलुलर। जायगोट अभी तक क्या है, सिंगल सेल का है। जायगोट मतलब सिंगल सेल, तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो एंड फाइनली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो यही होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी जायगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनने का प्रोसेस जो हुआ वो हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए यहाँ तक की बातें हो गई, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। इसके बाद हम लोग अब मंडे से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का भी PDF आपको सेंड करूँगा। और जिसके भी घर में पॉसिबिलिटी है तो उनको चाहिए, मतलब प्रिंट निकल सकता है, तो वो उस मॉड्यूल का और उसके MCQ का जो है वो प्रिंट निकाल लें। अगर जिसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है और जो चाहते हैं, तो अगर आपका कोई पेरेंट या कोई स्कूल आके लेना चाहते हैं तो उनको भेजने के पहले आप मुझे WhatsApp करके बताइए कि हाँ मुझे चाहिए, हमारे पापा या भाई या जो भी लोग आने वाले हैं, तो मैं प्रिंट निकलवा के रेडी रखूँगा, तो अगले दिन आप आके उसको कलेक्ट कर सकते हैं जिसको चाहिए। जिसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है बाहर में प्रिंट निकलवाने का या कुछ करने का, तो यू कैन WhatsApp मी, देन आई विल प्रिंट आउट फ्रॉम सीमा मौसी एंड नाउ यू कैन टेक, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, थैंक यू।